नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबके अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। चलिए जी, अगस्त का महीना आ गया, देखते हैं इन लिब्रंस के साथ इस महीने क्या होने वाला है। तो जी तुला राशि वालों, जानते हैं आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी करंट सिचुएशन, आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस, आपकी करंट सिचुएशन अभी फिर भी क्या कहती है, फ्यूचर और आपकी हेल्थ। ओके, गुड गुड, वेरी गुड। ट्रैवलिंग चल रही है आपकी, भागा दौड़ी, ठहराव नहीं है जिंदगी में, भागम भाग लगी हुई है। बड़ी हिम्मत है आप में, बहुत हिम्मत है जो आप झेल रहे हो ना अपनी सिचुएशंस को, हैट्स ऑफ है उसके लिए आपको। मतलब जिसके साथ भी ये रेजोनेट हो, देखो फादर का काम मानना ही पड़ेगा। आपके घर में कोई जेंट्स है जो बड़ा है, उसके रिस्पेक्ट से उसकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन वट एवर जेंडर यू बिलोंग्स टू, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, डेफिनेटली यू आर वेरी लकी फॉर योर फैमिली। आपकी वजह से आपके घर में फाइनेंस आता है। अगर आपको जॉब चाहिए तो डेफिनेटली आप इंडिया से बाहर जाके आपको मिलेगी, यहाँ तो आपकी जॉब मुझे नहीं दिख रही। बिजनेस में आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है, स्पेशली इस अगस्त के महीने से स्टार्ट हो जाएंगे, आपके फाइनेंसेस ग्रो करेंगे और सितंबर में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। आपका ना एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। काफ़ी समय से आप किसी सिचुएशन में सोच रहे हो, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, अब वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ओ वाओ। बात ये है, बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हो लोगों पे, हर किसी पे ट्रस्ट कर लेते हो। इतना जिंदगी में कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, अब ट्रस्ट नहीं, खुद पे ट्रस्ट, नहीं तो ना पैसा भी चला जाएगा। फ्यूचर जो आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो डेफिनेटली आपको ग्रोथ दे रहे हैं, और आपको उस ग्रोथ के लिए थोड़ा अपने पे भरोसा करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। काम आप कर रहे हो अकेले, अब अगर आपसे काम नहीं होता तो कम से कम दो लोग अपने नीचे रखो फॉर योर फ्यूचर ग्रोथ, तभी आपका लाइफ में आगे आप बढ़ पाओगे। अकेले अब बस की बात नहीं है, इट्स वेरी टफ। अकेले तो आप बहुत स्ट्रेंथ दिखा ही रहे हो, बहुत टाइम से दिखा रहे हो। अब देखो 2024 शनि का साल, सितंबर आने से पहले अगस्त का महीना, 8 नंबर, फिर से इन्फिनिटी का साइन, कर्मों का विधान, ये आपको इसी महीने मिलेगा। जब आप अपने कर्मों का विधान मिलेगा ना आपको, तब आपको रियलिटी ऑफ लाइफ समझ में आएगी। आपके कर्म जैसे होंगे आपको वैसे ही रिजल्ट मिलेगा, और आपके तो कर्म अच्छे हैं। अब आप दुनिया को खुश करना छोड़ दो, बहुत खुश कर लिया, अब अपने आप को खुश करो। Now you need a satisfaction in your life. What do you want? जिस दिन ये करने लग जाओगे ना, उस दिन चीज़ें और बेटर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए जानते हैं एडवाइस क्या है आपके लिए। पावर, क्या बात है, स्ट्रेंथ एंड पावर दोनों आ गए, बट कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यहाँ पे माइंड में। दिमाग 24 घंटे चलता है आपका, कहीं गिरे भी हो शायद आप, हो सकता है आपके पाँव में आपके हाथ में कहीं चोट भी लगी हो। थोड़ा भी केयरफुल, अगर नहीं लगी तो लग सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो अपनी। हेल्थ कार्ड इज़ गुड, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको ना यूनिवर्स कुछ मैसेज देता है, और वो मैसेज जो है वो आपको समझना है। आपके 11th हाउस में क्या है मुझे नहीं मालूम, बट आपके कनेक्टिव जो कनेक्शंस है ना, वो आपको अब स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। कहीं कनेक्टिविटी आपकी टूटी है, और वो कनेक्टिविटी आपके लिए बहुत लकी है। और यहाँ पे मुझे इंगला पिंगला दिख रहा है, आपको मर्क्यूरी की एनर्जी चाहिए। सो आप अपना जो बोली हुई बातें हैं ना, अपने वर्ड्स को सोच समझ के बोलो, है ना। अपना मर्क्यूरी ख़राब नहीं करना है,
तो कि आपकी बोली हुई वाणी कभी वापस नहीं आती, और आपने जो बोल दिया बोल दिया। अब किसी को बुरा लग गया, हो सकता है आप अच्छा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो एक नेगेटिव मैसेज में पहुंच गया, तो दिक्कत है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? कम्युनिटी से कनेक्ट हो, कहीं ना कहीं कम्युनिटी स्ट्रांग करो, या फिर किसी से ऐसे जुड़ो जिसकी कम्युनिटी बड़ी स्ट्रांग हो, वो आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, आप किसी भी स्पेसिफिक जेंडर से बिलोंग करते हो, द मेन थिंग इज व्हाट? योर पावर। पावर इज हेयर, योर ब्रेन। आई एम पावरफुल, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई कैन डू इट। जब आप ये चीज़ें बोलते हो ना विद स्माइल, विद चार्म, तो आपकी लाइफ वैसे ही बनती जाती है। पैसा सबको चाहिए, लेकिन पैसा आके आपको फले, वो एक ग्रोथ में कन्वर्ट हो, वो चाहिए। ठीक है, चलिए जानते हैं आपकी लाइफ में पर्सनली और क्या चल रहा है। ओहो, ओके। कोई लेडी फिगर, आप किसी लेडी फिगर के बिना काम नहीं कर सकते। आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको अपने साथ कोई लेडी रखनी पड़ेगी। मे बी इट कुड बी योर मदर, योर सिस्टर, और एनी ऑफ योर फ्रेंड्स, और मे बी वाइफ है, तो फिर तो क्या कहने की बात है। आपकी लाइफ में ग्रोथ अकेले नहीं है, डेफिनेटली कोई लेडी, सम लेडी विल हेल्प यू इन द ग्रोथ इन योर लाइफ। हम लाइफ में बहुत कुछ सोचते हैं, हम ये पालेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, जब वो नहीं होता ना तो अब बंदा अपने आप को डाउनग्रेड कर लेता है। और वो डाउनग्रेड करने का मीनिंग क्या होता है? अपने आप को ही कर्स करना, वो नहीं करना, वो छोड़ दो। ठीक है, जब ये चीज़ें छोड़ दोगे ना, चीज़ें बेटर होने लग जाएंगी। कोशिश करो कैंडल्स मंदिर में देके आने की, मंदिर में जहाँ पे भी कैंडल्स हो, या चर्च में, कहीं पे भी जहाँ आपको लगता है ना कि कैंडल्स जला सकते हैं, वहाँ पे कैंडल्स रख के आओ विद माचिस सील्ड पैक। और अगर हो सके तो एक उसी माचिस को खोल के एक कैंडल फ्लेम करके आओ, कि जैसे मेरी लाइफ में मुझे लाइट, ब्राइट लाइट चाहिए फ्यूचर के लिए, ऐसा ही दूसरों की ज़िंदगी में हो। तो एक बारी ये छोटी सी रेमेडी करके आओ एंड सी द मैजिक। एंड इफ यू कैन गेट रेड कैंडल्स, ऑरेंज कैंडल्स, वो तो बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, चलो जानते हैं अगर आपका कोई पार्टनर है आपकी लाइफ में तो वो आपको क्या क्या कहना चाहते हैं। आई एम फॉलिंग इन लव विद यू, आई क्राई ओवर यू। क्या रे, क्या किया? I ask and tell my friends about you. Really? You are a narcissist? Come on. But now the thing is like, I have cheated on you. Maybe आपको जो partner है वो आपसे move on हो गया है। I am jealous to see you with someone else. I cannot share. Still, मतलब jealousy है। I never want to see your face again. I dumped you. कुछ तो ऐसा कर दिया जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई आपके रिलेशनशिप में, एंड इट कुड बी यू, इट कुड बी योर पार्टनर, वॉट एवर इट इज, स्टिल आई विल गो फॉर द लव मैसेजेस। ठीक है, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ फर्स्ट, इट्स सेफ फॉर यू टू लव। तो जिससे भी आप प्यार करते हो ना, बहुत सेफ है। अपने कंट्रोल इश्यूज को थोड़ा रिलीज्ड आउट कर दो, और अनरिक्वायर्ड लव विच इज़ नॉट एक्चुअली गिविंग यू समथिंग, उसको निकालो। प्लेफुल एनर्जी से बात आओ, क्योंकि ये जो भी आपकी लाइफ में आपका पार्टनर है ना, ये आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, और अगर रिकंसाइल कर सको प्लीज़ डू इट। ठीक है जी, चलिए जी, मिलती हूँ बहुत जल्द नए वीडियोस के साथ। मैं आप सबके अपनी डॉक्टर अर्चना जैन, फिर भी कहीं मेरी जरूरत पड़े फिक्स एन अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स आर नेवर फ्री। ओके, टेक केयर, सी यू ऑल, थैंक यू।